भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सुनिश्चित किया है। इसके तहत अलग अलग बूथ में जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं भी विस्तारक के नाते निकला हूं। पूरे देश भर में ऐसे 4 लाख से ज्यादा विस्तारक निकलने वाले हैं जो 15 दिन, 6 महीना और 1 साल के लिए पार्टी का पूर्ण समय काम करेंगे। मैं मानता हूं आजादी के बाद का इस सबसे बड़ा किसी पार्टी के एक्सपांशन का प्रोग्राम है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया है। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो ऐसे मौके पर आया हूं जब मोदी सरकार के कुछ ही दिन में 3 साल समाप्त होने वाले हैं। मित्रों, देश की जनता ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा कर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया और इसके परिणाम स्वरूप मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार अस्तित्व में आई। हम जब सरकार में आए उसके पहले 10 साल से यूपीए की सरकार चल रही थी और वो सरकार घपले, घोटाले, करप्शन के आरोपों से घिरी हुई सरकार थी। लगभग 12 लाख करोड़ रुपया के घपले, घोटाले, करप्शन के आरोप यूपीए सरकार पर लगे थे। वो सरकार ऐसे चलती थी जैसे पॉलिसी पैरालिसिस हो गया और देश की सीमाओं की सुरक्षा का कोई ठौर ठिकाना नहीं था। दुनिया में देश का सम्मान नीचे गिरता जा रहा था। युवा आक्रोशित था, महिलाएं असुरक्षित थी और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई और 26 मई को इस सरकार को 3 साल समाप्त होंगे। मैं गौरव के साथ देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं कि सरकार ने 3 साल के अंदर जिस प्रकार से काम किया है उसमें हमारे विरोधी भी हमारी सरकार पर 3 साल में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते। करप्शन लेस गवर्नमेंट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज भारत बनकर खड़ा है। विकास दर जो 4.4 पर थमी हुई थी उसको 7.5% से 7.6 तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। महंगाई के सारे आंकड़े, सारे प्रकार की महंगाई है, चाहे थोक महंगाई हो, चाहे खुदरा महंगाई हो, ये सब नीचे की ओर आती हुई दिखाई पड़ी है। जीडीपी बढ़ा है, महंगाई कम हुई है, एफडीआई बढ़ी है, फॉरेन रिजर्व्स में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, सब रिकॉर्ड तोड़ दिए अब तक के, और बहुत सारी लोकाभिमुख योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 साल में आ गई है। जनधन के माध्यम से लगभग 28 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट खोले हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 5 करोड़ गरीब ग्रामीणों को गैस का सिलेंडर देने का लक्ष्य रखा है, उसमें से 2 करोड़ को दिया जा चुका है। मुद्रा बैंक के माध्यम से 7.64 करोड़ लोगों को लोन देने का काम हुआ है। एक छोटा सा हज्जाम का बेटा, छोटा सा कारपेंटर का बेटा, छोटा सा माली का बेटा, उसको लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ओबीसी कमीशन को वैधानिक मान्यता देने का काम, संवैधानिक स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सर्जिकल स्ट्राइक कर दुनिया में भारत को एक मजबूत देश के नाते प्रस्थापित करने का काम किया है। 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़कर अवकाश के अंदर, स्पेस के अंदर भारत ने ग्लोबल लीडर की अपनी इमेज बनाई है। पॉलिटिकल फंडिंग को शुद्ध करने के लिए 20,000 चंदा लेने की, कैश चंदा लेने की मर्यादा को 2,000 बना दिया है। योग दिन के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति को, उसकी एक विजय ध्वजा फहराने का काम किया है। पेरिस जलवायु समझौते के सम्मेलन में भारत जलवायु परिवर्तन में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। नोटबंदी के माध्यम से काले बाजार को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा साहसी कदम उठाया है। वन रैंक वन पेंशन का जो काम था, 40 साल से कोई सरकार इसको छू नहीं सकती थी, समस्या का निवारण नहीं कर सकती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नॉट वन रैंक वन पेंशन को जवानों के लिए देकर बहुत बड़ी सिद्धि हासिल की है। 17,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंचाने का 2018 तक का लक्ष्य रखा और 13,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम कर दिया गया है। बेनामी संपत्ति का कानून लाकर काली अर्थव्यवस्था को नकेल कसने का काम किया है। शत्रु संपत्ति बिल को लाकर भारत के शत्रुओं को कंट्रोल में करना और एक देशभक्त सरकार के नाते बहुत बड़ा कदम उठाया है। शैल कंपनी, फर्जी कंपनियों पर एक मुहिम छेड़कर बहुत बड़ा काले बाजारियों पर और भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने का काम किया है। एक ही साल में 91,00,000 नए पैन नंबर रजिस्टर हुए हैं, वो आजादी के बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भीम ऐप आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे पॉपुलर ऐप बनकर बड़ा उपसा है। जेनरिक दवाइयों के माध्यम से गरीब को अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का मौका दिया है, सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई है। स्टेंट के भाव, उसके रेट 7,000 से लेकर 22,000-40,000 तक सीमित कर दिए गए हैं। किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, ई मंडी के माध्यम से अपनी उपज उत्पादों को अच्छे भाव मिलना, लगभग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बुआई से लेके खलिहान तक पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का काम किया है। 4.5 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस प्रकार बहुत अच्छे काम, लोकाभिमुख काम और गरीबों को उठाने वाले काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसी का एक नतीजा है कि 3 साल पहले जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, भाजपा सरकार आई है, तब से जितने चुनाव आए हैं वो सारे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को बेहतर किया है, ज्यादातर में विजय प्राप्त करी है। आज देश के 60% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का राज है। देश के 58% जनसंख्या पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भाजपा के 13 मुख्यमंत्री हैं, 1387 विधायक हैं, 330 सांसद हैं और 4 एनडीए की सरकारें और भी हमारी साथी सरकारें करकर है। तो भाजपा एक बहुत बड़ी ताकत बनकर आज उपसा है। अभी ऑपरेशन क्लीन मनी पोर्टल को लॉन्च किया है। जीएसटी के कानून को हमने पारित कर एक देश एक कर के लक्ष्य को सिद्ध किया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में 18% की वृद्धि हासिल की गई है। सभी गाड़ियों पर से लाल बत्ती निकालकर इस देश में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के दिशा में एक बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, भारत ने सोच बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहले
रोजगारी का अर्थ सिर्फ नौकरी होती थी, हमने स्वरोजगारी का एक नया तरीका देश की जनता को सिखाया है। मित्रों, अब देश ऊंचे लक्ष्यांकों की ओर आगे बढ़ रहा है और नए लक्ष्यांक जो रखते हैं इसमें कहीं पर भी छोटी सोच नहीं है। देश की सोचने के स्केल बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, मैं तेलंगाना राज्य के लिए 70 साल में कोई सरकार ने जितना नहीं किया है इतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तेलंगाना राज्य के लिए किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 13th फाइनेंस कमीशन में शेयर इन सेंट्रल टैक्स 9,795 करोड़ था और आज 14th फाइनेंस कमीशन में शेयर इन सेंट्रल टैक्स 96,706 करोड़ है। मतलब 10 टाइम इंक्रीज इन शेयर इन सेंट्रल टैक्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तेलंगाना के लिए किया है। ग्रांटिंग एड जो 13th फाइनेंस कमीशन में 2,110 करोड़ था, आज ग्रांटिंग एड 9,900 करोड़, मतलब 4.5 गुना 4.5 टाइम इंक्रीज इन ग्रांटिंग एड तेलंगाना के लिए किया गया है। लोकेट बॉडी ग्रांट के लिए पहले सिर्फ 249 करोड़ रुपया दिया जाता था तेलंगाना को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लोकल बॉडीज ग्रांट के लिए 8,764 करोड़ रुपया 8,764 करोड़ रुपीज, मतलब 33 गुना पैसा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कई प्रकार के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान भी इंस्टीट्यूशन तेलंगाना को देने का काम किया है, जिसमें एक एम्स देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, श्री कोंडा लक्ष्मण हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो चुकी है, प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का देने का काम किया है, पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी साइंस को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अप्रूव किया है। केंद्र सरकार ने तेलंगाना छात्रों के शिक्षा की क्वालिटी के लिए 1,795 करोड़ रुपया अलग से देने का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार के अलग अलग योजनाओं में लगभग 40,800 करोड़ रुपया के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी तेलंगाना को दिए गए हैं। हैदराबाद बेंगलोर राजमार्ग, हैदराबाद विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, यादागिरी मुट्टा वारंगर चार मार्ग लाइन, तेलंगाना में महिला और बाल विकास के लिए 1,555 करोड़ रुपया अलग से 1,055 करोड़ रुपया, मिड डे मील के लिए 116 करोड़ रुपया की वृद्धि की है, स्वास्थ्य और पोषण के लिए 1,000 करोड़ रुपया की वृद्धि की है, कृषि सिंचाई के विकास के लिए 92 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है, गरीबों को मकान देने के लिए घर देने के लिए 500 करोड़ रुपया और दिया गया है, गिरिजनोत्थान आदिवासियों के लिए 451 करोड़ रुपया और दिया गया है और भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए 236 करोड़ रुपया और दिया है। इस सब का सूची बनाए तो अब तक तेलंगाना को लगभग मेरे अंदाज से 1,00,000 करोड़ रुपया ज्यादा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 70 साल में कभी भी इतना ज्यादा पैसा तेलंगाना सरकार को तेलंगाना के विकास के लिए नहीं दिया है। मित्रों, तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर बूथ में अपना ताकत बढ़ाना चाहती है। 2 साल से हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे राज्य सरकार की विफलताओं के सामने आंदोलन भी किए हैं, संघर्ष किए हैं, संगठनात्मक ताकतों को बढ़ाया है और बहुत सारा जो राज्य सरकार का नाकामी है उसको लोगों के सामने रखने का काम किया है। जैसे जैसे 2015-16 में गरीबों के घर के लिए जो 90,000 घरों का निर्माण करने के लिए फंड दिया गया था उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, मनरेगा का इस्तेमाल भी ठीक से नहीं हुआ है, स्वास्थ्य कार्ड
किसानों को जो दिया जाना था उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, सॉइल हेल्थ कार्ड का योजना लटका पड़ा है, बहुत सारे योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में ये सरकार नाकामयाब रही है। भारतीय जनता पार्टी इस तेलंगाना राज्य के अंदर एक मजबूत